प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन के कांग्रेस में शामिल होने के दावे से एक स्क्रीनशॉट इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हमने अपनी जांच में ये पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट फेक है और इसे एडिट करके बनाया गया है। साथ ही ये भी पता चला कि जशोदा बेन ने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया है। बता दें आपको कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। पीएम मोदी की पत्नी जशोदा बेन को लेकर चुनाव से पहले अक्सर फेक दावे वायरल होते रहते हैं। हमने पहले भी जशोदा बेन से जुड़े दावों का फैक्ट चेक किया है। वायरल हो रहे ग्राफिक में टीवी न्यूज चैनल आज तक का लोगों के साथ ब्रेकिंग न्यूज प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। एक फेसबुक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी की पत्नी जशोदा बेन मोदी कांग्रेस में शामिल, ये खबर सच है क्या? इसी तरह फेसबुक पर एक और दावा किया जा रहा है, कांग्रेस में शामिल होने के साथ जशोदा बेन ने यह भी कहा कि जो अपनी पत्नी को मान सम्मान नहीं दे सकता वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। हमने अपनी जांच में यह भी पाया कि वायरल ग्राफिक को फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया है। बूम के दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले वायरल ग्राफिक पर गौर किया गया जिसे एडिटेड मालूम हुई। आज तक के ब्रेकिंग न्यूज ग्राफिक के फॉन्ट थोड़े अलग है, साथ ही उसमें पूर्ण विराम का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि वायरल ग्राफिक का फॉन्ट अलग अलग रहा है, साथ ही उसमें पूर्ण विराम भी दिख रहा है। इसके बाद हमने आज तक के YouTube चैनल और वेबसाइट को खंगाला। हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो यशोदा बेन से जुड़े इस दावे की पुष्टि करता हो। हमने संबंधित कीवर्ड्स की मदद से गूगल पर सर्च किया, वहां भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि यशोदा बेन ने कांग्रेस ज्वाइन की और पीएम मोदी की आलोचना की। और अधिक स्पष्टीकरण के लिए हमें कांग्रेस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह ने बताया कि ये ग्राफिक पूरे तरीके से गलत है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग चुनाव से पहले इस तरीके की फेक खबर फैलाते हैं। इस तरीके से स्पष्ट है कि जशोदा बेन के कांग्रेस में शामिल होने का दावा गलत है जिसे फेक स्क्रीनशॉट के साथ वायरल किया जा रहा है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।